ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਹਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਿਆ ਲੇਕਿਨ काफ़ी दिनों से मैं और मेरे दोस्त बारबेक्यू पार्टी करना चाह रहे थे, मगर कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती जिसकी वजह से प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाता। देखो यार, हम लोग कोयले ढूंढ रहे हैं बारबेक्यू के लिए, लेकिन मिल रहे नहीं हैं, तो लिहाजा हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है कि पैसे इकट्ठे हुए हैं, देगी बिरयानी खाते हैं, इसकी बोतल पीते हैं, चिल पार्टी मारते हैं। मगर इस दफ़ा बग़ैर किसी बहाने के हम इकट्ठे हुए, सामान इकट्ठा किया और निकल पड़े जंगल की जानिब, क्योंकि बारबेक्यू तो होते रहते हैं लेकिन जब जंगल में होता है उस बारबेक्यू का मज़ा अपना ही होता है बॉस। जंगल में हम लोग पहुंच गए लेकिन हमें अभी तक परफेक्ट स्पॉट नहीं मिल रहा जिस जगह पर हम लोग बारबेक्यू की अरेंजमेंट कर सकें, लेकिन जगह बहुत ज़बरदस्त है। आप इस जगह के व्यू चेक करें। क्या है शरी? व्यू बहुत टाइट है। व्यू बहुत टाइट है। कोई ख़ास जगह समझ में नहीं आ रही थी, मगर फिर भी इस उम्मीद के साथ निकल पड़े कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पार्टी तो ज़रूर करेंगे, और करेंगे भी जंगल में। आखिरकार हम पहुंचे अपनी पुरानी जगह पर जहां हम बचपन में आया करते थे, मगर डिफरेंस सिर्फ ये था कि इस दफ़ा हमारे साथ जवार और जवाद नहीं थे, तो इस दफ़ा के प्रोग्राम के लिए भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जगह परफेक्ट है।
बीबी ने ज्वाइन कर लिया। आपको पता है बारबेक्यू की ट्रेडिशन कहाँ से आई है? यार ये बेसिकली मेरे ख्याल से जो है ना गोरों से ही आई है, ठीक है, और बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। मुझे अब इसके बारे में सही इसकी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है नहीं है, मैं ऐसे बोल दूँ कि ये हुआ था वो हुआ था। हमारे साथ जो आज की जो ड्यूटी शेफ की सर अंजाम दी है ना, ये इसे मैं प्यार से हैंडसम बोलता हूँ लेकिन इसका रियल नेम जो है अमार है। आओ नहीं है हैंडसम है ये सो अमार। अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हो। आज कोई मैसेज देना चाहोगे बारबेक्यू के हवाले से? यही कहेंगे कि गैदरिंग में करो आप लोग सब, कजन वगैरह दोस्त वगैरह मिलके, बस एक शुगल हो जाता है, बंदे का दिल खुश हो जाता है परेशानियों से निकल के। थोड़ा बंदे को ऐसे करना चाहिए कभी कभी, बंदे को दोस्तों के साथ कजनों के साथ निकलना चाहिए। और ऐसा व्यू हो तो और ही चार चांद लग। और हमारा भी क्या बोल दो? मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा व्यू हो तो और ही चार चांद लग जाते हैं। वो नीचे सिरन को जरा सिरन भी दिखाए ना, कटा सिरन। साथ एक टिकटॉकर भी है जिसने अभी 1K क्रॉस कर लिया, शेरी। शेरी कैसे हो? सबसे पहले मुझे ये बताओ इस जगह के व्यू कैसे हैं? व्यू बहुत टाइट है इस जगह के। कैसे हैं व्यू? बहुत टाइट है व्यू, बहुत टाइट है। आप इस बारबेक्यू को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, यानी क्या कहते हो? आप इंडिविजुअली होना चाहिए या गैदरिंग में होना चाहिए? गैदरिंग में होना चाहिए क्योंकि गैदरिंग में कजन सब मिलते हैं। देख ले सीन्स चेक कर सकते हैं कि इस जगह के व्यू कितने ज़्यादा टाइट हैं। तो आप जब भी बारबेक्यू करने आओ ना, आपकी जो पहली चीज़ होनी चाहिए ना बारबेक्यू की अरेंजमेंट से भी ज़्यादा प्लेस अरेंजमेंट होनी चाहिए कि जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए। टिक्के बनने में काफ़ी टाइम था और मैं बोर भी होने लगा था, लिहाजा मैंने सियासत की बेस छेड़ दी ताकि टाइम अच्छे से पास हो जाए। फिर हम आज भी वो आजकल मीम कौन सा मशहूर हुआ है जहाँ पर अल्लाह मियारी हो जाए ना। और आखिर में जाने से पहले एक मैसेज, ऑलवेज बी अ सिंपल बिकॉज देयर इज अ ब्यूटी इन सिंपलिसिटी। अल्लाह हाफिज। तो आज का जो प्रोग्राम था ओवर हो गया, बहुत अच्छा हुआ सारा सीन क्योंकि बिल्कुल बेहतरीन अरेंजमेंट थी सब चीज़ों की। और सबसे अच्छी जगह ये थी कि लोकेशन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इस वजह से अब घर जाते हैं। लेकिन घर जाने से पहले जो मेरे साथ जो मेरे कंपेनियन थे उनका थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं कि उन्हें आज का ट्रिप जो था, स्मॉल ट्रिप कह सकते हैं आप, प्रोग्राम कह सकते हैं, वो कैसा लगा? हमार सबसे क्रिटिकल रोल आपका था, इम्पोर्टेंट रोल आपका था। तो आज के बारबेक्यू में और इससे पहले जो आपने बारबेक्यू किए उनमें क्या डिफरेंस था? डिफरेंस तो इतना ख़ास कुछ था नहीं, बस ये है कि गैदरिंग हो जाती है कज़नों के साथ दोस्तों के साथ, आप लोग को आना चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है। ये है कि कुक यहाँ का कुक मैं था और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस काम में। ये हाथ आप मेरे देख सकते हैं अभी तक साफ़ नहीं हुए, हालांकि मैंने काफ़ी साफ़ करने की कोशिश की थी इनको।
और कपड़े भी काफी खराब हो गए मेरे। तो चलो यार, लव यू यार, आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की इस प्रोग्राम को इंजॉयबल बनाने में, मेमोरेबल बनाने में। और फाद को आप जानते हो, फाद के इंटरव्यू लें या ना लें, क्या बोलते हो? चलो बता ही देते हैं अब, मलंगी 555 चाचू। सक्सेसफुल मिशन हैज बीन डन, के मिशन अच्छे तरीके से डन हो गया। बिल्कुल। तो बात बताओ ना, क्या कहते हो आज के बारबेक्यू के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ, सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो गया और इन्जॉयमेंट होगी, मेन चीज़ होती है इन्जॉयमेंट। अच्छा, हमारे साथ एक टिकटॉकर भाई भी हैं, इनका भी लें यार इंटरव्यू। हाँ यार, ये शेरी भाई प्लीज कम फॉरवर्ड यार, ये टिकटॉकर भाई हैं, इनका भी इंटरव्यू लियो। टिकटॉकर को हम लोग देखें यूं बर्तन उठवाते होते हैं, आप देख सकते हो। और आप मकई, ये वलीद आपके कलर करने का ब्रश, मकई वो जो घर में आप यूज़ करते हैं साथ ले आए थे, ये वापस ले के जाएं। तो गांव के जो व्यू हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा टाइट हुए हैं, क्योंकि जो मकई है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है।